हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लाइक पहला इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप इस पर नए हो तो लाइक वीडियो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि लाइक अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक इस तरह का वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं रेगुलरली और आप लोग नोटिफिकेशन देखोगे और वीडियोज़ का एंजॉय करोगे, ठीक है। और फायदा भी होगा, क्योंकि लाइक हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ का वीडियो लाते हैं तो आप लोग को बेनिफिट होगा, अप्लाई करवाओगे जल्द से जल्द सारे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है। तो यह ये सब हो गया इंट्रोडक्शन, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो आज मैं लेकर आया हूँ बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और इंटर्नशिप्स के बेसिकली ओपनिंग्स में लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैं बता दूँ, हमारे चैनल पर बहुत सारे कंटेंट डाले हुए हैं, मतलब जावा की प्लेलिस्ट पूरी डाली हुई है, C++ की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हो। बिगिनर से लेकर एडवांस तक आपको पूरा मिल जाएगा सीखने को। वहाँ पर एक DSA भी C++ का भी एक कोर्स डाला हुआ है हमारे प्लेलिस्ट में, तो उसको भी शुरू से चेकआउट कर लो, पूरा बिगिनर से एडवांस तक फुल उसमें कवर्ड है उसमें, ठीक है। तो या तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, फॉर द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर सपोर्ट इंजीनियर, ओके, नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब सपोर्ट इंजीनियर। तो ये लोग हायर कर रहे सपोर्ट इंजीनियर को माइक्रोसॉफ्ट लोग, और बेसिकली इसमें अप्लाई कर सकते हैं 2022 पास आउट बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं। चलते नीचे कौन क्या क्या होने वाला क्राइटेरिया इनका देख लेते हैं हम लोग यहाँ फटाफट जाकर। तो क्वालिफिकेशन होगा बेसिकली आपका adaptability, flexibility and the ability to do the right thing under the pressure and tight deadlines, great interpersonal and communication skills, both oral and written and success in the partnering with groups inside and outside of Microsoft, a self-motivated and independent think that shows initiative and routinely translates circumstances and understanding into the action that move the business forward in a measurable manner. The ability to distill, prioritize and act on a feedback from a variety of sources. The conviction and courage to drive decisions and defend positions as appropriate. The strong customer service skills, accurate and logical problem solving and communication skills, plus the ability to excel in a team environment is essential. The strong troubleshooting skills of a complex technical issues involving multiple technologies. The collaborative and inclusive mindset. The ability to handle high pressure situation well while maintaining calm and composure in a stressful situation is a must. The strong ability to lead, perform and deliver the results in a high pressure situation with the multiple parties involved. Ability to handle the multiple customer issues and effectively balance your priority need. The bachelor's degree on higher in any STEAM related field that has a significant computing element. ठीक है, और big data, data movement, SQL and understanding and experience of any ETL type a system, experience in any RDBMS, understanding of general RDBMS concept, ability to write efficient SQL queries, understanding of the general networking principles and बहुत सारे यहाँ पर भी है, सब पढ़ लो, ठीक है। तो अगर आपको ये सब है requirement आपके अंदर है, जगह apply करो, link मिल जाएगा आपको description में। चलते हैं next opportunity तरफ जो आ रहा है Amazon की तरफ से, for the role of a software developer engineer fintech payments, मतलब fintech payments का जो team है वो उसमें basically hiring हो रही है, team specific hiring है। तो यार बहुत ही अच्छी opportunity है, इसमें आपका test link आ सकता है, तो इसको direct मत भरना, इसको जाकर किसी referral लो, किसी basically employer से LinkedIn में जाकर referral लो और उनसे referral लेके apply करना, ठीक है। और अगर अच्छा हो तो लाइक फिनटेक टीम वाले जो पेमेंट वाले टीम है उनसे अगर रेफरल लो तो और ज्यादा बेनिफिट होगा, मतलब थोड़ा ज्यादा एडवांटेज प्रायोरिटी मिलेगा आपको, ठीक है। अगर उसी टीम के बंदे से आप लेते हो रेफरल तो इसको रेफरल लेके भरोगे, इसमें लिंक आना आना ही है, ठीक है। चलते कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो लिख दिया है वी आर लुकिंग फॉर द फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट, मतलब 2022 पास आउट अप्लाई कर सकते हैं, और इंजीनियर विद लेस देन वन ईयर, मतलब जिसका लाइक 5 मंथ 6 मंथ हो गया वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हायर कर रहे फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट्स, मतलब 2022 पास आउट बैच को ही अप्लाई करना, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, एबिलिटी टू कोड राइट सोल्यूशंस स्टार्टिंग विद द ब्रॉडली डिफाइंड प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंड बेसिक एल्गोरिथम फंडामेंटल्स, डेवलपमेंट ऑफ कोड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस लाइक C++ हो गया, जावा हो गया, एंड बिल्ड लार्ज स्केल रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। फिर द बेसिक क्वालिफिकेशन हो गया प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस विद एटलीस्ट वन मॉडर्न लैंग्वेज सच जावा C++ इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। फिर प्रीफर्ड में आएगा बैचलर्स मास्टर्स डिग्री इन द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कोडिंग स्किल C++ जावा प्रेफरेबली यूनिक्स और लिनक्स प्लेटफॉर्म। फिर नॉलेज ऑफ पर्ल एंड अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस अ प्लस पॉइंट। फिर एक्सपीरियंस इन डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी थ्रेटायर्ड सिस्टम्स एल्गोरिथम्स एंड रिलेशनल डेटाबेसेस। एक्सपीरियंस इन ऑप्टिमाइजेशनल मैथमेटिक्स। फिर एबिलिटी टू इफेक्टिवली आर्टिकुलेट टेक्निकल चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। फिर डील वेल विद द एम्बिगुअस अनडिफाइंड प्रॉब्लम्स, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड प्रीवियस टेक्निकल इंटर्नशिप प्रेफर्ड। तो ये सब इसका रिक्वायरमेंट है, जाओ अप्लाई कर दो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में।
आते हैं नेक्स्ट आ रहा है आपका नेशनल इंस्ट्रूमेंट की तरफ से, तो नेशनल इंस्ट्रूमेंट से निकाला इंटर्न का रोल है, ठीक है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं 2022 पासवर्ड बैच वाले, बट यहाँ मैं रिकमेंड करूंगा 2023 पासवर्ड बैच वाले भी इसको अप्लाई कर देना क्योंकि उनका भी टेस्टिंग आ सकता है। देखते क्या क्या इनका बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है, अंडरस्टैंड चैलेंजेस विद द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क और कोड, फिर डिजाइन डेवलप द फ्रेमवर्क एंड टूल्स टू फैसिलिटेट क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑटोमेटेड ड्राइवर टेस्ट फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, रिकमेंड न्यू अप्रोचेस टू इंप्रूव द स्टेबिलिटी efficiency, we follow software development processes and design practices of the team, understand and adhere to coding guidelines of the to the team, develop feature documentation, participate in any feature design and code review exercises, फिर आपका क्वालिफिकेशन होगा बी बी टेक एम ई एम टेक एम सी इन कंप्यूटर साइंस आई टी एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स लाइक सी सी प्लस प्लस सी शार्प पाइथन, इंटरेस्ट टू टेक ऑन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड प्रोएक्टिवली फाइंड आउट द वेज टू सॉल्व देम, एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स टू बी एबल टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ग्लोबल पीयर्स, यस और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बड़ा और भी क्वालिफिकेशन दिया है इसको पढ़ लेना और जाके अप्लाई कर दो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में अगर ये सब आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आ रहा है आपका कॉग्नोलॉजिक्स, तो कॉग्नोलॉजिक्स निकाला है फुल स्टैक इंजीनियर का रोल है जो कि एंट्री लेवल होने वाला है, बट मेंशन किया आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होगा 0 से 2, मतलब 2020 बैच वाले, 2021 पासवर्ड बैच वाले एंड 2022 पासवर्ड बैच वाले तीनों अप्लाई कर सकते हो, मेंशन किया 0 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। क्या क्या होगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लो यहाँ पर, बिल्ड टूल्स राइट कोड इन द एरियाज ऑफ वेब डेवलपमेंट डेवलपमेंट बैक एंड एनालिटिक्स एंड डेटा एल्गोरिथम्स क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन बिग डेटा प्रोसेसिंग डेवऑप्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन अमंग अदर्स, वर्क इन द एजाइल डेवलपमेंट environment to understand requirements, elicit feedback and refine demonstrable solutions. We work on the projects involving the writing code in any of Java, Kotlin, Golang, Python, JavaScript or even system programming in C++ or Rust. You will be responsible to one of the developed next generation web application user interfaces with Angular, React, Vue.js. फिर बिल्ड आपका रेस्टफुल APIs, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस यूजिंग जावा स्प्रिंग बूट SQL NoSQL databases लाइक MySQL Postgres MongoDB Elasticsearch Redis, फिर डेवलप डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन यूजिंग Hadoop Spark Kafka Databricks और रिलेवेंट क्लाउड डेटा पाइपलाइंस, फिर डेवलपर नेक्स्ट जनरेशन यूजर इंटरफेसेस यूजिंग एंगुलर हो गया रिएक्ट हो गया व्यू हो गया, बिल्ड पाइपलाइंस डिप्लॉय एप्लीकेशंस यूजिंग Jenkins Terraform बहुत कुछ है यहाँ भी, गिटअप वगैरह भी आना चाहिए आपको, वर्क ऑन कंटेनर टेक्नोलॉजी लाइक डॉकर कुबरनेटीज आना चाहिए और क्लाउड सर्विसेज लाइक हो गया क्लाउड एज्योर या फिर AWS में कुछ ना कुछ आना चाहिए आपको, ठीक है। यस और पैशनेट सेल्फ स्टार्टर सेल्फ मोटिवेटेड डेवलपर माइंड सेट फिर टू लर्न क्विकली फिर प्रोजेक्ट्स विद द कोडिंग एक्सपीरियंस इन आइदर पाइथन गोलैंग जावा कोडिंग जावास्क्रिप्ट, फिर वेब डेवलपमेंट एक्सपीरियंस विद HTML CSS एंगुलर रिएक्ट Node.js गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिनक्स सिस्टम्स विल बी प्रेफर्ड, फिर एडवांटेज हो जाएगा हायर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी स्टार्टअप कल्चर स्मॉल टीम्स अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एक्सपर्ट इन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज रिमोट वर्किंग ऑप्शंस फॉर द राइट मैच्योरिटी लेवल फिर कॉम्पिटेटिव सैलरी एंड फैमिली बेनिफिट्स परफॉर्मेंस बेस्ड करियर एडवांसमेंट, तो यार ये सब है जाके अप्लाई कर दो, फुलफिल हो रहे हो सारे रिक्वायरमेंट से तो अप्लाई मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट आ रहा है कलर टोकेंस, तो कलर टोकेंस हायर कर रहे हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, सैलरी ऑफर कर रहे हैं 7 LPA का, तो एक पोस्टर है लोकेशन जगह बैंगलोर, वर्क होगा आपका हाइब्रिड, क्वालिफिकेशन बी बी टेक एम ई एम टेक वाले कर सकते हैं इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IT और कंप्यूटर नेटवर्क, 21 एंड 22 पासवर्ड बैच अप्लाई कर सकते हैं और परसेंटेज होना चाहिए 75% के ऊपर। चलते हैं नीचे और क्या क्या मेंशन किया है ये सब मैंने बता दिया, 21-22 पासवर्ड बैच और फिर आपको बेसिकली यहाँ पर क्या होना पड़ेगा बी बी टेक होना चाहिए, गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स यानी लैंग्वेज गोलैंग प्रेफर्ड है यहाँ पर, डेवलपर विद सी प्लस और जावा आल्सो फाइन, गुड एनालिटिकल थिंकिंग सेल्फ ड्रिवन एंड हाईली मोटिवेटेड डेवलपर, गुड टू हैव में होगा नॉलेज ऑफ AWS Azure GCP नॉलेज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस आर्किटेक्चर फॉर SaaS एप्लीकेशंस फिर ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क एप्लीकेशन डेवलपमेंट MongoDB प्लस, ठीक है। तो ये है नीचे लिंक्स यहाँ पर फॉर्म है अप्लाई कर दो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। लास्ट सारा और Oracle की तरफ से सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 का रोल है, तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ मेंशन किया है 0 से 2 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस, मतलब 2020 2021 एंड 2022 तीनों में अप्लाई कर सकते हैं और जिसका 2 से प्लस ईयर एक्सपीरियंस वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते क्या क्या है, डिजाइन डेवलप ट्रबल शूट डिबग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर डेटाबेसेस एप्लीकेशंस टूल नेटवर्क एक्सेट्रा, एज अ मेंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिवीजन यू विल बी यूजिंग बेसिक नॉलेज ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर टू परफॉर्म द टास्क एसोसिएटेड विद द डेवलपिंग डिबगिंग और डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड डिजाइन स्पेसिफिकेशंस,
यार ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो यार देख लो एक बार इसका आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है, जब अप्लाई कर तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। फिर आज के लिए इतने रखते हैं इस वीडियो में, सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ अप्लाई कर दो और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। तो फिर वीडियो को एंड करने से पहले बताने वाला हूँ मैं न्यूटन स्कूल के बारे में, जहाँ आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ ऐसा है कि लाइक जब तक आपको 5 LB से ऊपर तक का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई फीस नहीं पे करना पड़ेगा, इसलिए नाम है पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर आप एनरोल करते हो इस कोर्स के लिए तो यहाँ जब आपको 5 LB के ऊपर जॉब मिल जाता है तभी आपको पूरा फीस पे करना पड़ेगा। और यहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी बेनिफिट्स है, लाइक आप जाओगे नीचे दिखेगा आपको, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे आपको, लाइव प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा, मेंटरिंग प्रोग्राम कराए जाएंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा टू क्रैक योर ड्रीम जॉब, ठीक है। तो आप अपने ड्रीम जॉब को क्रैक करने के लिए आपको प्रिपरेशन भी कराया जाएगा इंटरव्यूज का। तो यार अप्लाई करो फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए टू स्काई रॉकेट विद न्यूटन स्कूल, गो एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।